हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले आ चुका हूँ कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी लेने चाहते हो तो पीडीए तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, लिंक आपको यहाँ पर मिल रहा है। बट आपको बताऊँ कि आपको अपनी स्कूटी या फिर अपनी मतलब को कार लेने जाएँ तो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि जो आपके टायर हैं वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है कार की तरह। तो भाई देखो, कई बार डीलर क्या करते हैं, टायर चेंज करके दे देते हैं आपको और गाड़ी आपको नहीं देते। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करें। आप देखें, सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस गाड़ी जो हमारी स्कूटी का आई है, MRF का टायर है, आपको यहाँ ब्रांड का नाम मिल रहा होगा। तो भाई अगर आपने टायर को घुमाओगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, मतलब टायर का नाम, टायर का साइज़ देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे 12 इंच का टायर, 12 इंच का अलॉय व्हील है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप लोग टायर, देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है, देखो जूम करके दिखाता हूँ, 15 मंथ 2018 का टायर, मतलब कि 52 मंथ जो था 2018 में जब ये टायर बना था। दिखाता हूँ आपकी बार गाड़ी का, देखो भाई पहले दिखाता हूँ ब्रांड आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, JK टायर्स कंपनी का है ये टायर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बना कब था। देखो अगर भाई धूप आ रही है, मेरा कैमरा फोकस भी नहीं कर रहा, आपको साफ करके दिखाता हूँ। भाई देखो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ किसी इसकी डेट, देखो ये लिखा है यहाँ पे, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो भाई देखो 02 मतलब कि दूसरा वीक था 2020 का जब ये टायर बना था। तो भाई ऐसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मंथ देखने को नहीं मिलेगा आपको कि मंथ कौन से बनाया था, आपको वीक बताया जाएगा कि दूसरा वीक था 2020 का। तो आप लोग बता सकते हो कि 2 जनवरी का टायर है ये। और आपको दिखाता हूँ जो हमारा फ्रंट टायर, जो फ्रंट टायर है वो है हमारा, मतलब कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है JK टायर का, मेरा कैमरा फोकस करे तो, हाँ को किया, JK टायर कंपनी का टायर है। और मैं दिखाता हूँ इसकी मैन्युफैक्चर डेट, क्योंकि 2 कंपनी के टायर लगे हमारी गाड़ी में। सबसे पहले दिखाता हूँ इसकी डेट, देखो यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो कैमरा फोकस ही नहीं, कहाँ ये देखा, 52 मंथ और 2019 में बना था ये टायर। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ, वो दिखाऊंगा कि हमारी गाड़ी का जो दूसरा टायर है, मतलब जो दूसरे जो टायर लगे हैं वो कौन सी कंपनी के बने हैं। तो चलते हैं भाई गाड़ी के दूसरे जो टायर लगे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसका ब्रांड दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये जो हमारा टायर लगा है ये बना है अल्टीमेट नियोन का टायर लगा है हमारी गाड़ी में। और इसका जो अगर आपको मैन्युफैक्चर डेट दिखाऊँ तो मैन्युफैक्चर डेट अगर आप ध्यान दें, भाई कैमरा भाई फोकस करना चाहिए कैमरे को, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो यार 52 मंथ और 2019 का ये टायर बना हुआ है। तो भाई देखो हमारी जो गाड़ी में अगले जो टायर हैं वो हमारे ऐसे लगे हुए हैं 2019 के, और जो पिछला टायर है वो भी इसमें लगे हैं अल्टीमेट नियोन का। तो डेट आपको सेम ही देखने को मिलेगी दोनों गाड़ी में। बट आप कई बार हो जाता है डीलर जो कर देता है आपको टायर अलग अलग दे देता है, मतलब डेट अलग दे देता है। तो भाई देखो अब मैंने आपको बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी का और अपनी स्कूटी का जो मैन्युफैक्चर डेट टायर की। तो भाई कई बार कैमरा कर मतलब मैन्युफैक्चर कर देता है, भाई देखो मेरी स्कूटी है ये 2015 की स्कूटी है ये, और जब का ही टायर लगा हुआ है, और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं भाई बहुत ख़राब हो चुके, रबड़ सूख जाए ना, तो भाई देखो ऐसी आपको कंडीशन देखने को मिलेगा अगर आपकी रबड़ सूख जाती है तो। तो भाई देखो बस इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है, जैसे कि इसके जो मार्क हैं वो ज़्यादा नहीं है, देखा उसमें ग्रिप है, पर अभी जो रबड़ है ना वो सूख चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्कूटी का पिछले टायर का क्या हाल चाल है मेरे। देखो भाई पिछला जो टायर वो मैंने नया डलवाया था, बट देखो घिस चुका है ये। तो भाई ऐसे आप लोग पता लगा सकते हो, ऐसा हर बार नहीं है कि अगर आपके टायर में ग्रिप है तो आपका टायर बिल्कुल अच्छा ही होगा और बिल्कुल नया ही होगा। तो भाई हमेशा अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले वो चेक ज़रूर करें कि आपकी गाड़ी का टायर नया है या फिर नहीं है। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भाई नीचे कमेंट में पूछ लेना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।